चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने देश को तोड़ने का काम किया है, आतंकवादियों के साथ वे खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला रही है। विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस काफी कम हो चुके हैं, ज्यादातर जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति अब बेहतर हो चुकी है, लगभग सभी गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है। कुछ गतिविधियों को लेकर जल्द विचार होगा, आर्थिक गतिविधियां हो लेकिन संक्रमण भी न बढ़े। सारंग ने कहा तीसरी लहर में बच्चों के माता पिता को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने बेरोजगारी हटाने के लिए काम नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस के दलालों को रोजगार दिया। हमारी सरकार ने ऐसे दलालों को बेरोजगार कर दिया है जो कांग्रेस के संरक्षण में फल फूल रहे थे। उन्होंने कहा प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति अच्छी है, जुलाई में सीएम खुद जन जागरण अभियान के लिए निकलेंगे। दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने देश को तोड़ने का काम किया है, आतंकवादियों के साथ हुए खड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह के कभी भी मंसूबे पूरे नहीं होंगे, कश्मीर भारत का था, भारत का रहेगा। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने लगातार इस देश को तोड़ने का काम किया, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात की, आतंकवादियों के साथ वो खड़े हुए दिखे, आतंकवादियों को उन्होंने लगातार इस देश में शेल्टर देने की कोशिश की, उन्होंने हिंदुस्तान को हर समय बदनाम करने की कोशिश की, धारा 370 को लेकर क्लब हाउस में जिस प्रकार से उन्होंने चैटिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। मैंने पहले भी कहा था कि दिग्विजय सिंह जी गद्दार हैं, वो देश की हिंदुस्तान की खाते हैं और गाते पाकिस्तान की है, और ये कांग्रेस के नेताओं की परिपाटी रही है। जो जेनेटिक प्रभाव देख रहे हैं हम, जवाहरलाल नेहरू ने ये बात शुरू की, जवाहरलाल नेहरू ने लेडी माउंटबेटन के साथ मिलकर अपनी अंतरंगता को बढ़ाते हुए इस देश के दो टुकड़े किए। वो कश्मीर को अलग करना चाहते थे, पूरे देश में अलग अलग राज्यों को एक साथ करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, पर कश्मीर को जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं अपने हाथ में रखा, केवल इसलिए कि वो चाहते थे कि कश्मीर अलग हो जाए, पाकिस्तान के साथ चला जाए, और इसीलिए धारा 370 लगाई गई। जो पाप जवाहरलाल नेहरू ने किया, उस पाप को धोने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने किया है। मैं दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके कभी भी मंसूबे पूरे नहीं होंगे, कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। लगातार इस देश में अराजकता का काम फैलाने का काम लगातार दिग्विजय सिंह जी ने किया है, ये निंदनीय है, शर्मनाक है। अब ये दिव्य ज्ञान कांग्रेस को कहां पता लगा ये वही जाने। अब यदि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी साइंटिस्ट से ज्यादा बड़े ज्ञानी हो गए हों, वैज्ञानिकों से बड़े ज्ञानी हो गए, तो उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे लगता है कि यही भावना कांग्रेस की प्रदर्शित करती है कि वो जनता की जान के साथ खेल रही है। जब पूरी दुनिया में ये बात स्थापित हो चुकी है कि यदि कोरोना की जंग को जीतना है, यदि अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो वैक्सीन लगवाना है। जिस दिन से वैक्सीन बनी है, उस दिन से कांग्रेस चाहती है कि देश में अराजकता का माहौल बने। कांग्रेस के नेता लगातार वैक्सीन को लेकर अनर्गल बातें करते रहे। कोई कहता है भाजपा की वैक्सीन, कोई कहता है मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, कोई कहता है ये मोदी जी की वैक्सीन है। ये बात संतोषप्रद है कि लगातार मध्य प्रदेश कोरोना के मामले में बेहतर स्थिति में आ रहा है। मैंने कल भी कहा था कि बड़ी संख्या में हमारे जिले अब कोरोना के संक्रमण से मुक्त हुए हैं। हमने लगभग सभी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। बहुत कम गतिविधियां हैं जिन पर अभी प्रतिबंध है, जिसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, मॉल है, उनके बारे में भी अब जल्द से जल्द विचार होगा। मुख्य उद्देश्य हमारा और जनता का यही है कि संक्रमण ना फैले। आर्थिक गतिविधियां हो, परंतु उसके साथ साथ संक्रमण की चैन भी ना बढ़े, ये हम सबका उद्देश्य है। और इसीलिए धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से कोरोना कर्फ्यू को विड्रॉ किया गया है। जो सेगमेंट अभी प्रतिबंधित हैं, उनके बारे में जल्द से जल्द विचार कर निर्णय लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो एक दिन पहले इस बात पर जरूर निर्णय लिया है कि शादी में जो सीमित संख्या
दोनों पक्ष वर और वधु पक्ष की 10-10 की थी उसको बढ़ाकर दुगनी 20-20 की है। बाकी भी सेगमेंट के बारे में एक दो दिन में विचार होकर निर्णय लिया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।